नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्टिस्ट मनोहर कलमकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मनोहर कलमकर ट्रैवल्स एंड आर्ट्स। दोस्तों कैसे, मज़े में ना, और मज़े में होने भी चाहिए। तो दोस्तों चलो आज हम लोग कुछ अलग मोड बनाते हैं। तो चलो आज कुछ एंटिक मोड अपने को बनाने का है। तो मेरे पास ये देखो, ये पीस आया है शतरंज के खिलाड़ी, ये देखो। ये देखो 6 पीस आया है अब मेरे पास, और इनका अपने को अभी मोल्ड बनाना है ना। ये 6 पीस है, तो ये 6 पीस है देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीस का अपन लोग आज मोल्ड बनाएंगे। ये जो शतरंज का खेल खेलते हैं ना, उसके पीस है। अभी ये तो पीस है रेजिन से बनाए हुए हैं, लेकिन अपने को फाइबर में बनाना है इसको। और उससे पहले अपने को क्या करना है, इसका मोल्ड बनाना है। तो सिलिकॉन रबर में अपन इसका मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और इसको बनाएंगे सिलिकॉन रबर में, लेटेस्ट रबर में नहीं बनाएंगे, इसको सिलिकॉन रबर में बनाएंगे। और वो कैसा प्रोसीजर होता है, उसका क्या तरीका होता है बनाने का, वो सारा डिटेल आपको आज दिखाएंगे। मतलब आपको भी सीखने को मिलेगा कि इस टाइप का अगर आपके पास कोई मूर्ति आ गया या कुछ आ गया चीज़, तो उसका मोल्ड कैसा बनाते हैं, तो आपको भी सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और अपने को अभी मोल्ड बनाना शुरुआत करना है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इसको चिपका के लेंगे इस प्लेट के ऊपर, और उसके बाद इसको वैक्स लगाएंगे पूरा चारों तरफ, और उसके बाद रबर का काम करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये घोड़ा है, खाली घोड़े को इधर अपने को पैकिंग लगाना पड़ेगा, बाकी कहीं पर भी अपने को पैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल इसके बीच में गर्दन के नीचे थोड़ा सा गैप है, उसके लिए अपने को पैकिंग लगानी पड़ेगी। बाकी जितने भी ये देखो मोरे हैं ना, ये एकदम सीधे है, या बीच में अटकने का कोई चांस ही नहीं है। तो सारे ऐसे ही है, एकदम सीधे है, तो इसमें कोई मोल्ड अटकेगा नहीं। ये देखो, तो नीचे से सीधा अपन निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में अटकने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसका गर्दन थोड़ा टेढ़ा है ना, तो इधर रबर अगर फंस गया तो निकलेगा नहीं अपना मोल्ड। तो इसके लिए है ना, इधर अपने को पैकिंग लगाना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे एकदम सीधे खड़े हैं, ठीक है। इसका जो रबर मोल्ड होता है वो तो सीधा आराम से निकलेगा ऊपर से, ठीक है। तो पहला इसको अपन पैकिंग करके लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये इसको है ना चिपकाने के लिए ना, आप दो टाइप के एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं। एक फेविक्विक, ये देखिए ये फेविक्विक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका वापर कर सकते हैं। और दूसरा है फेविकॉल, ये देखिए है ना, ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है उससे आप इसको चिपका सकते हैं। आपका जो भी मूर्ति रहेगा ना, तो ये दोनों में से आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसका आप वापर कर सकते हैं। तो मैं तो अभी ये फेविकॉल का वापर करूँगा, इसका नहीं करूँगा, फेविक्विक का नहीं करूँगा, मैं इसका करूँगा, ठीक है। तो अपन आज इसका वापर करेंगे, फेविकॉल का, ठीक है। तो चलो इससे अपन इसको सारे मूर्तियाँ जितनी भी है इसको चिपका के लेंगे, ठीक है। तो चलो अपन अभी शुरुआत करते हैं इसको चिपकाने के लिए।
तो चलो दोस्तों, अभी फेविकॉल से इसको चिपका के हो गया। जितने भी आइटम थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस है। 6 पीस को पूरा चिपका दिया अभी फेविकॉल से, ठीक है। तो अभी इसको सूखने देते, जैसे ही अपन फेविकॉल लगाते हैं उसके बाद उसके ऊपर तुरंत सिलिकॉन रबर नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है मालूम है, वो सिलिकॉन रबर घिला रहता है और ये फेविकॉल का भी नीचे से अपन जिधर चिपकाया है ये घिला रहता है, तो दोनों आपस में मिलते हैं ना तो मोल्ड ख़राब होता है। दोनों घिले अगर आपस में मिल गए तो मोल्ड तो ख़राब होना ही है। तो इसको सूखने देते, पहला 10 मिनट इसको सूखने देते, उसके बाद अपन लोग ये सूखने के बाद इसके ऊपर रबर का काम करेंगे। तो चलो इसको अभी सूखने देते। तो दोस्तों ये देखो, मैंने इस प्लेट के ऊपर है ना बाउंड्री बना के लिए, ये अपने मोरे है ना, ये पीस है 6 पीस के, चारों तरफ मैंने बाउंड्री बना के लिए। अब ये बाउंड्री इसलिए बनाई है, और ये देखिए, ये सनबोर्ड का मैंने ये सनबोर्ड का बाउंड्री बनाई है। तो बाउंड्री इसलिए बनाई है, ये देखिए पूरा चारों तरफ बाउंड्री बना के लिए। अभी ये बाउंड्री बनाने का मकसद क्या है? बाउंड्री बनने का मकसद यही है कि अपना जो सिलिकॉन रबर होता है बहुत महंगा होता है, तो क्या होता है मालूम है, अगर अपन लोगों ने इसको खुला छोड़ दिया तो जैसे अपन लोग इसके ऊपर रबर चढ़ाते हैं ना, तो ये रबर है ना पूरा फैल जाता है चारों तरफ, वेस्टेज होता है। वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, वो अपने दायरे में रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बाउंड्री में कैद कर दिया, ठीक है। तो ये बाउंड्री में रहेगा ना तो इसके अंदर ही रबर रहेगा, बाहर फैलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये चारों तरफ बाउंड्री बनाई है, ठीक है। तो ये देखो बाउंड्री बना के लिए पूरी। तो दोस्तों ये अभी हो गया, अभी इसके ऊपर अपन वैक्स लगाते हैं ऐसा, ये देखो वैक्स है ना। अब ये वैक्स है ना, ऐसा लेके थोड़ा सा हल्का ब्रश से ऐसा चारों तरफ लगा देने का इसको। चलो वैक्स लगा के हो गया, अभी ये वैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या मोल्ड चिपकता है, जो रबर का मोल्ड होता है ना वो इस प्लाई के ऊपर चिपक जाता है, तो उसके लिए वैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वैक्स तो हो गया लगा के, अभी सूखने देते 5 मिनट, उसके बाद इसके ऊपर रबर चढ़ाएंगे। तो चलो दोस्तों अभी रबर का काम चालू करेंगे, सिलिकॉन रबर का। तो ये देखो सिलिकास्ट, ये सिलिकॉन रबर है, देखो इसे लिखा है सिलिकॉन रबर। अभी इसके अंदर से अपन लोग लेंगे कम से कम 250 ग्राम इसके अंदर लेंगे, इस डब्बे में लेंगे 250 ग्राम। ये देखो 250 ग्राम लिया है। अभी दोस्तों क्या मालूम है, अगर किसी को रबर चाहिए सिलिकॉन रबर, यही कि सिलिकॉन रबर अगर किसी को चाहिए
सिलिकॉन रबर अगर किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस पर जाके आप कॉल करके अपने को जितना मांगता है उतना आप रबर मंगवा सकते हैं, ठीक है। उस पर्सन का, उस आदमी का नाम भी लिखा है, ठीक है, उसका नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करके आपको जितना चाहिए उतना सिलिकॉन रबर मंगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितना चाहिए उतना सिलिकॉन रबर आप मंगा सकते हैं। तो चलो अभी इसके अंदर हार्डनर डालते हैं। अभी हार्डनर कितना डालेंगे इसके ऊपर, 250 ग्राम के अंदर हार्डनर कितना लगेगा। हार्डनर भी ये सिलिकॉन रबर का ही चाहिए, दूसरा हार्डनर नहीं चलता है, रेजिन का हार्डनर इसके अंदर नहीं चलता है। तो ये देखो, ये है इस रबर का हार्डनर है ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर अपन 3 ml डालेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ये देखो, ये ढक्कन रहता है दवा पीने का, तो इसके ऊपर लिखे रहते हैं, इसके ऊपर लिखा है देखो 2.5 ml, 5 ml और 10 ml। तो ये 2.5 ml के थोड़ा ऊपर लेंगे तो 3 ml हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ml यहाँ तक होता है, तो इसके हिसाब से आप ले सकते हैं और उसके अंदर डाल सकते हैं रबर के अंदर, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसका वापर करो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, जैसा मैं डाल रहा हूँ। देखो देखो 3 ml मैंने डाल दिया, भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसको अभी अच्छे से मिक्स करके लिया है हार्डनर, देखो पूरा हार्डनर अच्छे से मिक्स करके लिया है। अभी इसको धीरे धीरे इसके ऊपर अपन चढ़ाएंगे। तो दोस्तों देखो, सिलिकॉन रबर का पहला कोट चढ़ गया। अभी ये सूखने के लिए टाइम लगेगा, कि पहला कोट है बहुत देर से सूखेगा, कम से कम 2-3 घंटा लगेंगे इसको सूखने के लिए। तब तक इसको सूखने देते हैं और सूखने के बाद दूसरा कोट मारेंगे, तीसरा मारेंगे, चौथा मारेंगे, 5 और 6, ऐसा 6 कोट मार के इसको पूरा करेंगे। बाद में इसके ऊपर रेजिन का मोल्ड बनाएंगे और फाइनल कर देंगे। तो अभी पहला कोट मार दिया, इसको सूखने देते हैं, इसको बहुत टाइम लगेगा सूखने के लिए, तो इसको आराम से सूखने देते। चलो
तो चलो दोस्तों दूसरा कोट भी मार लेते हैं। पहला कोट अपना सूख गया है, अभी दूसरा कोट मार लेते हैं, ठीक है फटाफट। तो दोस्तों देखो दूसरा कोट भी पूरा हो गया अभी, ठीक है। पहला कोट पूरा हो गया, दूसरा कोट भी पूरा हो गया, अभी तीसरा कोट मारेंगे, उसके ऊपर बैंडेज लगाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी सूखने देते हैं इसको। तो चलो दोस्तों इसके ऊपर अभी एक और एक कोट मारते हैं, उसके बाद बैंडेज लगाते हैं, ठीक है। चलो अभी रबर लगा के तो हो गया, अभी इसके ऊपर बैंडेज चढ़ाते हैं। देखिए इसी टाइप का बैंडेज होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का कपड़ा होता है, लेकिन ये लगाने से क्या होता है मालूम है, मोड़ एकदम मजबूत बन जाता है, ठीक है। तो चलो अभी लगाते हैं इसको। ऐसा धीरे धीरे लगा देने का उसको, थोड़ा गीले में लगाएंगे ना तो जल्दी चिपक जाता है, सूखने के बाद आप लगा नहीं जाओगे तो चिपकेगा नहीं।
तो दोस्तों देखो, अभी बैंडेज पूरा हो गया, पूरे 6 पीस को बैंडेज लगाया है, ठीक है। इसको इसी तरह बैंडेज लगा के लेने का, कभी भी ये बैंडेज इसको है ना मजबूत करेगा, अपने मोड़ को बैंडेज मजबूत करता है, इसलिए बैंडेज लगाते हैं, ठीक है। तो ये घीले में लगाना पड़ता है, अगर सूखे में लगाओगे ना तो चिपकेगा नहीं और पकड़ेगा भी नहीं बैंडेज। तो जैसा ही आपने रबर इसके ऊपर चढ़ाया ना, तो वैसा तुरंत इसके ऊपर बैंडेज चढ़ा के लेने का, ठीक है। बैंडेज लगा के लोगे ना तो चिपक के रखता है, पकड़ के रखता है इसको, ठीक है। तो इसी तरह आप बैंडेज लगा के ले सकते हैं, और बैंडेज लगाना ज़रूरी भी है। अगर बैंडेज नहीं लगाओगे ना तो मोड़ कमज़ोर होता है, तो चलो अभी इसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद इसके ऊपर आगे का रबर चढ़ाएंगे। अभी 3 कोट तो हो गया, इसके ऊपर 4th और 5th मार देंगे, उसके बाद फाइनल कर देंगे इसको, ओके। तो चलो सूखने देते हैं अभी इसको। चलो दोस्तों अभी ये देखो, ये सूख गया है अपना बैंडेज का जितना भी रबर था ना, वो सूख गया है। अभी इसके ऊपर रबर चढ़ाते हैं। अभी बैंडेज सूख गया है, तो चलो रबर चढ़ाते हैं फटाफट। चलो हो गया, बैंडेज के ऊपर रबर लगा के हो गया। अभी 1-2 कोट मारेंगे, उसके बाद इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो लगभग अभी ये पूरा होने को आया है, खाली 2 कोट मारने के बाद ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको सूखने देते हैं, क्योंकि सूखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सूखता ही नहीं तब तक इसके ऊपर आगे का कोट नहीं चढ़ा सकते। तो इसको पहले सूखने दो प्रॉपर, उसके बाद आगे का कोट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभी मजबूत होता जा रहा है, जैसे जैसे कोट चढ़ेगा वैसा ये मजबूत होता जाता है। तो चलो सूखने देते हैं इसको अभी। तो दोस्तों अभी रबर का काम पूरा हो गया है, अभी इसके ऊपर रेजिन का काम चालू करेगा, ठीक है। तो अभी 6 कोट तो पूरे हो गए, अभी इसके ऊपर बनेंगे रेजिन का मोल्ड। तो अभी रबर का काम पूरा हो गया, अभी पूरा वैक्स लगा के लेते हैं। ये वैक्स है, चलो वैक्स लगा के पूरा हो गया। अभी इसके ऊपर रेजिन का काम करेंगे। तो ये देखो रेजिन लिया है, अभी बहुत थोड़ा लिया है, ठीक है। इसके अंदर अपन हार्डनर डालते हैं। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। चलो मिक्स हो गया, अभी हार्डनर मिक्स हो गया। अभी फटाफट लगाते हैं इसको।
चलो पहला कोट चढ़ा, क्या हो गया अभी अपना पहला कोट हो गया, अभी इसको सूखने देते हैं। तो दोस्तों ये देखो रेजिन के सारे कोट मारने के बाद ये देखो अपना मोल्ड तैयार हो गया है ना, दोनों मोल्ड एकदम तैयार हो गए। छः पीस है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये उसमें से इतने सारे आइटम बना है देखो। तो दोस्तों हमारी मोल्ड बनाने की टेक्निक आपको कैसी लगी उसके बारे में अगर कुछ बात करनी हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की यहाँ से छुट्टी लेते हैं, चलो धन्यवाद, जय हिंद।